एक बार एक पिता ने अपने बेटे श्याम को भैंस का बछड़ा गिफ्ट किया, अ काफ। श्याम वॉज वेरी हैप्पी। वो रोज उस बछड़े को पीठ पे डालकर पहाड़ पे चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता था। सभी बहुत खुश थे, स्पेशली पिता। फादर वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि उसका बेटा खुश था। कुछ सालों के बाद, अब तो वो फुल ग्रोन बफेलो थी, तो फिर भी वो रोज उस भैंस को अपने पीठ पे डालकर पहाड़ पे चढ़ता था उतरता था, चढ़ता था उतरता था। अब गांव वालों को ताज्जुब होने लगा क्योंकि दे कुड सी अ ह्यूज बफेलो राइट उसके बैक पे। तो वो श्याम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि जब वो छोटी थी समझ आता है, बट अब तो वो विशालकाय भैंस है, तुम कैसे उसे आज भी उसी एनर्जी के साथ पहाड़ पे लेके चढ़ते हो उतरते हो, चढ़ते हो उतरते हो, कैसे? तो श्याम मुस्कुराता है, बोलता है कि चाचा जी, मैं तो ये हमेशा से करता आया हूँ, अब तो ये मेरी आदत बन चुकी है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मेरे पीछे है भी। वो तो अब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। इसी तरह से होती है हमारी गलत आदतें। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के गलत आदतों को इग्नोर करते हैं ये सोच के, चलो बच्चा खुश है। कभी कभी हम उन्हें गलत आदतों का शिकार बना देते हैं कि चलो एटलीस्ट वहाँ पे व्यस्त है तो एटलीस्ट आई कैन डू माई वर्क, जैसे मोबाइल फोन लेके बिजी करा देते हैं। आगे चल के ये डेट्रीमेंटल प्रूफ होता है। कभी कभी क्या होता है, या तो हमारी गलतियों को कोई ठीक नहीं करता या फिर हम खुद उन्हें ठीक नहीं करते। तो ऐसा ना करें। अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आज ही सोचें कि कौन सी गलत आदतें हैं जो अभी आज तक आप उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं, आज ही उन्हें ड्रॉप करें। ट्रस्ट मी, यू विल फील मच लाइटर। कैसी लगी कहानी बताइएगा ज़रूर।